ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें किसान भाइयों। भैया बाबू नमस्कार। और ठीक है? हाँ बाबू सब ठीक। दादा ये क्या चीज़ लगा रखे हैं आप? ये बाबू स्ट्रॉबेरी लगाए हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों मैं आज आया हूँ यहाँ, जो कौन सा गांव है दादा? थावर, ये थावर गांव में है ये दादा। दादा आपका क्या नाम है? त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ दादा जो है थावर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक इस क्षेत्र में नई फसल लगाई हुई है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं किसान भाइयों। ये कौन सी फसल है दादा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की फसल इन्होंने लगाई है जो कि इनको यहाँ एक रहमान खेड़ा फार्म जो है बीज अनुसंधान केंद्र है वहाँ से मिला है इनको। दादा आपको कहाँ से ये पौधा मिला था? रहमान खेड़ा फार्म से। तो किसान भाइयों इसके बारे में दादा से कुछ जानकारी हम लोग जानते हैं, आपको बताना चाहेंगे इनके माध्यम से कि इसकी फसल कब लगाई थी इन्होंने और कितनी बार तुड़ाई की है और क्या क्या इसकी जो उपज है, क्या पैदावार है, क्या दवाई डाली है इन्होंने। दादा आपने ये कब लगाया था? ये दीपावली के 20-22 दिन पहले। दीपावली के 20-22 दिन पहले ये बता रहे हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं जब गेहूं की बुआई होती है उसी के दौरान, मान के चलिए उसी जो अर्ली गेहूँ की बुआई शुरुआत में होती है उसी के दौरान इन्होंने लगाया था। और दादा इसमें आप कितने दिन बाद फूल आ गया था? फूल ये 2.5 महीने में आ गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है और इन्होंने बताया है कि 40 से 45 दिन बाद इसमें जो है फूल आ गए थे। और दादा ये कितने कितने दिन पर आप तुड़ाई कर रहे हैं इसकी? ये पहले हफ्ते में टूटता था। अच्छा अच्छा। तीसरे दिन चौथे तो लगभग कितनी बार तुड़ाई कर चुके होंगे? ये 10-12 टुटाई हो चुकी है। 10-12 टूट हो चुकी है। किसान भाइयों ये जो है दादा का जो बता रहे हैं इनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने इसको दीपावली के आसपास लगाया था और 1.5 महीने के बाद इसमें फूल आ गया था। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तुड़ाई होने लगी। उसके बाद में अब तक की जो अब इस समय मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है 10-12 तुड़ाई इन्होंने की है। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप गेहूं धान या अन्य फसलें लगाकर आप परेशान हो चुके हैं कि इनमें कुछ ज़्यादा बचत नहीं हो पा रही है तो आप ये नई खेती जो है आप मल्चिंग विधि से, इन्होंने देखिए पन्नी वगैरह लगा रखी है, मल्चिंग विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं मल्चिंग वगैरह लगा के, तो आपको इसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है और कम से कम समय भी आपको जो है देना पड़ेगा इसमें आपकी। और बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी जो है ये इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है मार्केट में और रेट भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। इस समय लगभग 150 से 200 के बीच में होगा। तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती करके कम से कम समय में और कम से कम लागत में आप इसकी अच्छी से अच्छी उपज ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।